सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में, और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर 2017 में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन के किस क्षेत्र में स्पेन से अलग होने के लिए 1 अक्टूबर 2017 को जनमत संग्रह हुआ, तो वो क्षेत्र था कैटालोनिया। जापान के प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं शिंजो अबे। इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया वो है रिचर्ड एस थेलर। हॉकी एशिया कप 2017 के विजेता हैं भारत। लामबार्डी और वेनेटो नामक क्षेत्र जो कि स्वायत्तता चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने अक्टूबर 2017 में जन्म संग्रह कराया, वो है इटली देश में। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का एम्बेसडर बनाने को हटाया गया, वो थे रॉबर्ट मुगाबे, जो कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। तो उनको पहले एम्बेसडर बनाया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसके बाद उनको जब विरोध हुआ तो हटाया गया, क्योंकि वो एक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। पाकिस्तान को फीफा से निलंबित कर दिया गया, फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। माओ जेदांग और डेंग शियाओपिंग के बाद वो नेता जिसके विचारों को चीन के संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो वह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे प्योंगचांग यानी कोरिया में। राइट लेवलीहुड पुरस्कार 2017 प्राप्त करने वाले भारतीय वकील हैं कोलिन गोंजाल्वेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नोबेल पुरस्कार 2017 लेखन के लिए दिया गया है, साहित्य के लिए काजुओ इशिगुरु को, जो कि जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2017 दिया गया ISEN को, ये परमाणु रहित विश्व की संकल्पना के साथ तैयार किया हुआ एक संगठन है। यूनेस्को से दिसंबर 2018 में अलग होने की घोषणा करने वाला देश है अमेरिका, जिसने अक्टूबर में घोषणा की कि वो दिसंबर 2018 के बाद यूनेस्को का हिस्सा नहीं होगा। चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं गौतम बम्बावले। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री रजनीश कुमार। FTI के नए चेयरमैन हैं अनुपम खेर। अन्य पिछला वर्ग में उप वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष हैं जी रोहिणी। एंटी पनडुब्बी युद्धक जहाज जिसको नौसेना में अक्टूबर 2017 में शामिल किया गया, वह है INS किल्तान। जिस एक्सप्रेसवे पे विमानों को उतरना, लड़ाकू विमानों का उतरना और उड़ान भरना प्रदर्शित किया गया, वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गोल्फ मकाऊ ओपन ट्रॉफी के विजेता हैं गगनजीत भुल्लर। गुजरात के भावनगर में गोगा से लेके भरूच के दाहेज के मध्य जो सेवा प्रारंभ की गई है, वो है रो रो फेरी सेवा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।